क्यूट हेवनली फैमिली। सो फ्रेंड्स, प्यारी स्वीटी आराम कर रही है और मेरा प्यारा बनी भी बैठ करके आराम कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे बनी को कितना आराम से बैठा हुआ है, चिल कर रहा है। और मेरी स्वीट हनी बाबू, और आप हनी बाबू को भी देख सकते हैं आराम से बैठा हुआ है हनी बाबू। तो फ्रेंड्स, मैं ये ब्लॉग इसलिए आज बना रही हूँ क्योंकि आज मैं स्वीटी के बेबी रैबिट्स से आप लोगों को मिलाने वाली हूँ। और बेबी रैबिट्स की आज टोटल जो डेज नंबर है वो 16 हो चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि 16 डेज के बाद बेबी रैबिट्स कैसे लगते हैं। तो ये रहा हमारी प्यारी स्वीटी के बेबी रैबिट्स। तो इनकी 16 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो तो आराम से घूम रहे हैं मिस्टर छुटकू बनी। और ये देखिए आ गए ये वापस। उनका नाम सोच लिया गया है तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी इन तीनों का क्या नाम रखा गया है। फ्रेंड्स, अभी बेबी रैबिट्स के दूध पीने का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी इसकी स्वीटी मम्मी के पास ले जाती हूँ ताकि बच्चे दूध पी सकें। तो उसके लिए मैं स्वीटी का खाना रेडी कर देती हूँ ताकि वो खाए भी आराम से और बच्चों को दूध भी पिला सके। हमारी प्यारी छोटी सच भी बहुत प्यारी है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप लोग हमारी प्यारी छोटी के लिटिल बेबीज हैं, बेबी रैबिट्स सच में कितने क्यूट हैं। तो ऐसे तो सारे ही पेट्स क्यूट ही होते हैं और सारे जानवर क्यूट होते हैं। तो हम इनसे जब बहुत अच्छे से बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं तो भी बहुत ही प्यार से रहते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में रैबिट्स पाले हुए हैं तो उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखें और बहुत ही प्यार से रखें। तो उनके साथ किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं करना होता क्योंकि सच में बहुत प्यारे होते हैं। आप देख ही रहे हैं जिट्टू कितने अच्छे से अपने बेबी रैबिट्स को दूध पिला रही है। इसने तो दूध पी लिया, अब इसे देती हूँ ताकि पी सके।
प्यारी सी टू।